नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये हमारा जो ट्रेसिंग का जो टॉपिक चल रहा था, हम आज को आपको आगे का वीडियो लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो आगे के जैक के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको चार्जिंग जैक है और बैटरी कनेक्टर है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पूरे डिटेल से बता दिया था। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं मोबाइल फ़ोन में बाकी अदर जैक जो हैं, जैसे सिम जैक होता है उसको कैसे चेक किया जाता है, या उसकी पिनों के नाम क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, या हैंड फ्री जैक है हैंड फ्री जैक को कैसे पहचानते हैं, या आपका ऑन ऑफ स्विच है उसको कैसे पहचानते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो आगे जैक के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी जैक होते हैं उन जैक के बारे में हम लोग कैसे चेक करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों के लिए ट्रेसिंग का सीरीज निकाला है कि ट्रेसिंग से संबंधित एक एक करके हम आपको वीडियो बना करके दे रहे हैं, जिसमें आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को ठीक कैसे किया जाएगा, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को चेक कैसे किया जाएगा, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की टेस्टिंग कैसी करी जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरा फुल वीडियो हम आपको देने वाले हैं, जिसमें आप बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आप ले रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा पॉजिटिव कमेंट किया हुआ है, हमें भी बड़ी खुशी मिलती है कि हम आपको सिखाने में जब इतनी मेहनत करते हैं और आप उसको एक अच्छा सा रिवॉर्ड्स देते हो। कोई दिक्कत नहीं सर, हम आप ही लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोग सीख करके खड़े हो जाएं और अच्छी तरीके से अपनी शॉप पर बैठ करके ही दो पैसे की इनकम को जनरेट करें और अच्छी तरीके से काम करें। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो हम लोग ट्रेसिंग के बारे में सीखने वाले हैं। ये हमारा जो ट्रेसिंग का वीडियो होने वाला है, ये ट्रेसिंग का आगे का वीडियो होने वाला है। ये हम लोगों ने आज क्लास में जैसा सीखा था, जैसे आप लोग देखेंगे कि ट्रेसिंग का क्लास चल रहा है, ट्रेसिंग क्लास में जो आने वाले जो फॉल्ट्स आते हैं उनको कैसे ठीक किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। आज दोस्तों जो हमारा जो वीडियो होने वाला है, ये हमारा सिम जैक के ऊपर वीडियो होने वाला है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सिम जैक लगा होता है, इस सिम जैक को कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहली बात क्या, जितने भी मोबाइल फ़ोन होते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में सिम जैक को चेकिंग कैसे किया जाएगा, मतलब सिम जैक को चेक करने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात, एक बात मैं कहने चाहता हूँ कि सिम जैक में अगर आप देखेंगे तो एक कट होता है, सिम जैक में एक कट होता है। ये जो कट पिन होती है, जो भी मोबाइल फोन होते हैं जिसमें से कट होता है, ऐसे छह पिनें होती हैं। हमारे पास जो भी मोबाइल फोन होते हैं सभी मोबाइल फोन में सिम जैक में छह पिन होती हैं। छह पिन में से अगर आप देखेंगे तो एक पिन जो होती है ये आपकी ग्राउंड होती है, उसके बाद दूसरी पिन जो होती है इसको हम लोग एनसी बोलते हैं, एनसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है नॉट कनेक्टेड। उसके बाद अगली पिन जो होती है जिसको हम लोग डाटा बोलते हैं, उसके बाद अगली पिन जो होती है जिसको हम लोग क्लॉक बोलते हैं, अगली पिन होती है जिसको हम लोग रीसेट बोलते हैं, अगली पिन जो होती है जिसको हम लोग वीसिम बोलते हैं। तो हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन होते हैं सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सिम जैक जो होते हैं वो छः पिन का लगा होता है। छः पिन में से एक पिन जो बीप देती है वो ग्राउंड होती है, उसके बाद एनसी है, डाटा है, क्लॉक है, रीसेट है, वीसिम। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो मोबाइल फ़ोन ऐसे आते हैं जिसमें सिम जैक में देख अगर आप देखेंगे तो ऐसा जो कट बना होता है, जो कट वाली पिन होती है वो 100% डाटा होती है। ऐसा कोई आजकल के टाइम पे ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन नहीं बना जिसमें सिम कार्ड ना लगा हो और सिम जैक जो है या सिम कार्ड जो है उसमें ऐसे कट ना दिया हो। अगर उसमें कट दिया हुआ है तो कट देने का मतलब 100% उसमें वो डाटा पिन है, ये डाटा पिन है, ये डाटा पिन इसमें कनेक्ट होती है। तो ग्राउंड है, एनसी, डाटा, क्लॉक, रीसेट, वीसिम, ये सिम में छह पिनें होती हैं। छह में से अगर कोई भी पिन ख़राब हो जाती है, कोई भी एक लाइन ब्रेक हो जाती है तो आपके मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड नहीं चलता। चलिए दोस्तों हम लोग इसी चीज़ को हम लोग मदरबोर्ड में देखते हैं कि प्लेट में कैसे पहचानेंगे। जैसे मेरे पास देखेंगे ये मोबाइल फ़ोन का मेरे पास पीसीबी आया हुआ है, और इस पीसीबी को जब आप लोग गौर से देखेंगे ये सिम जैक का पीसीबी है,
ये देखेंगे सिम जैक का 6 पिन दिया हुआ है। 6 पिन में से जब आप सिम कार्ड डालते हैं तो सिम कार्ड डालने पर आगे का हिस्सा पूरा फ्लैट रहता है। आगे का हिस्सा फ्लैट होने के बाद जब आप देखते हैं तो इस तरफ एक पिन होती कट होती है। जब आप सिम देखेंगे तो ये आपका कट बना हुआ है, तो कट का मतलब होता है ये वाली पिन तुम्हारी डाटा हो जाएगी। तो ये वाली पिन पहली हो जाएगी तो फर्स्ट पिन हो जाएगी तो ग्राउंड हो जाएगी, ये पिन हो जाएगी NC हो जाएगी डाटा हो जाएगी, ये वाली पिन तुम्हारी क्लॉक हो जाएगी, ये वाली पिन तुम्हारी रीसेट हो जाएगी, ये वाली पिन तुम्हारी VSIM हो जाएगी। अच्छा, जो पिनों की काउंटिंग जो चलती है वो सर पूरा एंटी क्लॉक काउंटिंग करते हैं। एंटी क्लॉक का मतलब होता है घड़ी का जस्ट उल्टा, घड़ी का जस्ट विपरीत दिशा में पूरी काउंटिंग होती है। तो जो ग्राउंड होता है वो पिन नंबर पहली है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है, फिर पाँचवीं है, फिर छठवीं है। अगर आप चेक करेंगे तो ग्राउंड वाली पिन जो होती है, इस ग्राउंड वाली पिन में चेक करने पर आपको बीप मिलेगा। इसमें चेक करने पर आपको बीप मिलेगा। NC वाली पिन पर कुछ आया ना आए, इस पिन पे आपको चेक करने पर वैल्यू मिलेगा, इस पिन पे चेक करने पर वैल्यू मिलेगा, इस पर भी वैल्यू मिलेगा, इस पर भी वैल्यू मिलेगा। अगर वैल्यू मिलता है तो वैल्यू मिलने का मतलब क्या होता है, हमारा ट्रैक सही होता है। अगर वैल्यू नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा ट्रैक ख़राब होता है। तो जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम कार्ड की प्रॉब्लम आती है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड नहीं चलता, मोबाइल फ़ोन में इंसर्ट सिम कार्ड की प्रॉब्लम आ रही है, अगर ऐसी कभी भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट आप सिम जैक को ही चेक करेंगे। जब सिम जैक को चेक करेंगे तो सिम जैक की ग्राउंड वाली पिन में चेक करने पर बीप आएगी। जो बीप आएगी वही पिन नंबर फर्स्ट होती है। वहीं से आप एंटी क्लॉक काउंट कर लीजिए। ग्राउंड के बाद सबसे पहली पिन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड बोलते हैं, उसके बाद दूसरी पिन जो होती है जिसको हम लोग NC बोलते हैं, तीसरी पिन जो होती है ये हमारी डाटा होती है, चौथी पिन जो होती है उसको हम लोग क्लॉक बोलते हैं, उसके बाद पांचवी पिन जो होती है इसको हम लोग रीसेट बोलते हैं, छठवीं पिन होती है इसको हम लोग VSIM बोलते हैं। अच्छा, सिम की जितनी भी सारी पिनें होती हैं ये सारी पिनें बिल्कुल सीक्वेंस सिम होती हैं, ना तो ये पिनें कम होती हैं ना ज़्यादा होती हैं, ना पिनें ऊपर नीचे होती हैं ना उसमें कोई चेंजेस होता है। तो सिम जैक की जो पिनें पाई जाती हैं वो 6 पिनें होती हैं। 6 पिनें मोस्टली सीक्वेंसली होती हैं। सीक्वेंसली का मतलब ग्राउंड, NC, डाटा, क्लॉक, रीसेट और VSIM। इसी सिम को हम लोग क्या करेंगे, 1x1x करके स्टेप बाई स्टेप क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि सिम जैक जो होता है, सिम कार्ड को हम लोग कैसे चेक करेंगे या सिम जैक को चेक करने का तरीका क्या है, चलिए हम लोग दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने आगे वाले जैक के ऊपर। सिम जैक के बाद फिर हम लोग अगला जैक जो सीखने वाले हैं वो हम लोग हैंड फ्री जैक के बारे में सीखेंगे कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन के अंदर हैंड फ्री जैक को कैसे चेक किया जाएगा या हैंड फ्री जैक को चेक करने का तरीका क्या है। यह जो अपना जो जैक है वो सिम जैक के बारे में आपको मैंने आपको बताया हुआ है। आप चाहें तो आप सिम जैक के बारे में सब चीज़ों के बारे में अच्छे से इसका फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसका जो नंबर दिया हुआ है 6391711711। किसी भी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग संबंधित कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ में आए जो मैंने आपको बताया उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने आगे टॉपिक के ऊपर चलते हैं, आगे टॉपिक के बारे में समझते हैं, आगे टॉपिक के बारे में सीखते हैं। तो ये दोस्तों जो हम लोगों ने सीखा हुआ है, ये हमने सिम जैक के बारे में सीखा हुआ है कि सिम जैक को हम लोग कैसे पहचानेंगे, सिम जैक को हम लोग कैसे चेक करेंगे। अब हम लोग दोस्तों जो सीखने वाले हैं वो हैंड फ्री जैक के बारे में सीखने वाले हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो हैंड फ्री जैक आता है उस हैंड फ्री जैक को कैसे पहचानेंगे और हैंड फ्री जैक को कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों हैंड फ्री जैक, तो दोस्तों जो हम लोग सीखने वाले हैं हैंड फ्री जैक के बारे में सीखने वाले हैं कि हैंड फ्री जैक को कैसे चेक करेंगे। हैंड फ्री जैक देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ सबसे पहली बार मदरबोर्ड में कि हैंड फ्री जैक होता कैसे है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। जब आप हैंड फ्री जैक को एक बार देख लेंगे तो समझाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और आपको सीखने में आसानी भी रहेगी। देखिए सर, मैं आपको इतने सारी जो वीडियो होती है, मैं इतनी टेक्नोलॉजी से सब चीज़ से संबंधित आपको पूरा आपको वीडियो देता हूँ। ये वीडियो इसीलिए देता हूँ ताकि आप जैसे लोग हैं जो आज दुकान पर बैठ करके मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं या कहीं भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं,
लेकिन उनको पूरा कम्प्लीटली सीखने को नहीं मिलता। तो ये आप दोस्तों देखेंगे, ये आपका हैंड फ्री जैक दिया हुआ है। तो हम लोग जो समझने वाले हैं इसी हैंड फ्री जैक के बारे में समझने वाले हैं, हम इसी के बारे में आपको समझाने वाले भी हैं। तो हैंड फ्री जैक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पहले मैं टॉपिक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, समझने के बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। हैंड फ्री जैक, हैंड फ्री जैक का मतलब होता है हेडफोन जैक। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, अगर हैंड फ्री जैक ख़राब हो जाता है तो आपके मोबाइल फ़ोन में स्पीकर रिंगर माइक काम करना बंद कर देता है। हैंड फ्री जैक ख़राब हो जाता है तो आपके मोबाइल फ़ोन में गाने नहीं बजते। हैंड फ्री जैक ख़राब हो जाता है तो आपके मोबाइल फ़ोन में लीड का सिंबल बन जाता है, तो स्पीकर रिंगर माइक काम करना बंद कर देता है। तो मतलब ये जैक ख़राब हो जाता है तो उसी की तरह काम करता है कि न मैं जीऊँगा न मैं जीने दूँगा, मतलब मैं खुद तो काम करूँगा नहीं और जो काम हो रहा है मेरे पीछे उसको भी मैं बंद कर दूँगा। तो मतलब हेडफोन का सिंबल आ जाएगा, तो हेडफोन का सिंबल आने से हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम आती है कि स्पीकर रिंगर माइक सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? हैंड फ्री जैक को चेक करने के लिए जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन में से हैंड फ्री जैक जो लगा होता है, ये देखिए इस तरीके का हैंड फ्री जैक होता है सर। हैंड फ्री जैक में ये हेडफोन का लीड का ऐसा सिंबल बन करके आता है, ये हैंड फ्री का सिंबल बन करके आता है। इस सिंबल में जब आप दोस्तों देखेंगे तो हेडफोन के लिए ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं। ये हेडफोन जैक जो होता है आपका 6 पिन का होता है। कितने पिन का होता है? 6 पिन का होता है। थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे, ये 6 पिन जो होती हैं, 6 पिन में से क्या होता है, एक पिन जो होती है वो हमारी ग्राउंड होती है, फिर उसके बाद एक पिन जो होती है इसमें डिटेक्शन की पिन होती है। डिटेक्शन, डिटेक्शन का मतलब क्या होता है, इस पिन को काम करने के लिए 2.8 वोल्टेज आती है तब आपके सेट में हैंड फ्री इनेबल होता है। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में अगर आप देखेंगे तो हैंड फ्री के लिए दूसरा पॉइंट होता है हैंड फ्री राइट स्पीकर, हैंड फ्री लेफ्ट स्पीकर, हैंड फ्री माइक, इस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऑप्शन दिए होते हैं। देखा जाए तो एक होता है हैंड फ्री राइट, हैंड फ्री डिटेक्शन, हैंड फ्री लेफ्ट, हैंड फ्री माइक। अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है, जब आप देखते होंगे जब इसमें हेडफोन ऐसे पूरा घुसोड़ देते हैं, ऐसे जब हेडफोन पूरा अंदर आप डाल देते हैं ऐसे, तो जैसे आप हेडफोन पूरा अंदर डाल देते हैं तो डालने से क्या रहता है कि हेडफोन का सिंबल बन जाता है। जब हेडफोन का सिंबल बन जाएगा तो आपके मोबाइल फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आएगी कि स्पीकर रिंगर का लाइन बंद हो जाता है और आपके मोबाइल फ़ोन में हैंड फ्री वाला लाइन चालू हो जाता है, कि मतलब बाहर आवाज़ नहीं आती और आपको हैंड फ्री में आवाज़ आती है। लेकिन जब ये ख़राब हो जाता है तो ये काम ही नहीं करता, वो हमेशा सिंबल बन के रह जाता है। जब सिंबल बन के रह जाता है तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी आवाज़ दूसरी तरफ नहीं जा पाती, ना आ पाती है, स्पीकर रिंगर माइक बंद हो जाते हैं, सर्किट ख़राब हो जाता है, तो वो कस्टमर हमारे पास ठीक कराने के लिए आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वो हैंड फ्री जैक को चेक करते हैं, और चेक करने के बाद पहले हम लोग डिटेल समझ लेते हैं, फिर हम चेकिंग आगे आज आपको समझाएंगे। तो पहले हम लोग डिटेल के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो पिन होती है, पिन नंबर 1 होती है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये आपका हैंड फ्री जैक का पिन दिया हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने हैंड फ्री जैक के बारे में बताया है, चलिए मैं इसको बोर्ड में भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपका हैंड फ्री का पिन दिया हुआ है। तो इसमें एक आध पिन एक्स्ट्रा भी होती हैं, वो NC होती है, नॉट कनेक्टेड होती हैं, ग्राउंड होती हैं, उनसे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हैंड फ्री में जब आप चेक करते हो तो एक पिन जो होती है, ये वाली पिन जो होती है, ये हैंड फ्री की डिटेक्शन पिन होती है जो हैंड फ्री को कनेक्ट करती है। उसके बाद एक पिन जो होती है, ये तुम्हारी हैंड फ्री की राइट पिन होती है। फिर उसके बाद एक पिन को अगर आप देखेंगे तो ये हैंड फ्री की लेफ्ट पिन होती है। एक पिन को देखेंगे तो एक आपकी हैंड फ्री की माइक की पिन होती है। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में हेडफोन को चलाने के लिए 4 तरीके के सर्किट की आवश्यकता होती है। अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है, हेडफोन का सिंबल बन जाता है, या हेडफोन अगर ये पिनें टूट जाती हैं, अंदर से डैमेज हो जाती हैं,
तो प्रॉब्लम ये आती है कि हेडफोन का सिंबल आता ही नहीं। क्या नहीं होता? हेडफोन का सिंबल आता नहीं। जब हेडफोन का सिंबल नहीं आएगा तो आपके मोबाइल फ़ोन में स्पीकर रिंगर माइक काम करना बंद कर देगा। अगर आप देखेंगे तो जो आपका हैंड फ्री जैक होता है, इसमें से काम करने के लिए आपको पांच चार पॉइंटों की आवश्यकता होती है। एक तो सबसे पहला पॉइंट चाहिए होता है ग्राउंड, वो बड़ा अहम पॉइंट होता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो होता है वो होता है हैंड फ्री का डिटेक्शन पॉइंट होता है। ये डिटेक्शन पॉइंट से ही मोबाइल फ़ोन में सिंबल बन करके आता है। उसके बाद अगला पॉइंट होता है जो हैंड फ्री का राइट पॉइंट होता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो होता है ये हैंड फ्री का लेफ्ट पॉइंट होता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो होता है वो हैंड फ्री का माइक का पॉइंट होता है। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जब हैंड फ्री का सिंबल बन करके आता है, हेडफोन का लोगो बन करके आता है, ये हैंड फ्री की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि उसमें हैंड फ्री का सिंबल बन जाता है तो स्पीकर रिंगर माइक काम करना बंद कर देता है। जब स्पीकर रिंगर माइक काम करना बंद कर देता है तो हैंड फ्री की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, ग्राउंड लाइन होती है, हैंड फ्री डिटेक्शन लाइन होती है, ये इस तरीके से ये सारी लाइनें दी होती हैं। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन में हेडफोन का सिंबल आता है। तो दोस्तों, जैसा आप देखेंगे कि ये मैंने आपको जो बताया है, ये आपको मैंने दो जैक के बारे में मैंने आपको समझाया है कि कैसे हम लोग जैक को पहचानेंगे, किस तरीके से हम लोग जैक को चेक करेंगे। तो ये हमने जो सीखा वो हमने दो जैक के बारे में सीखा, एक हैंड फ्री जैक के बारे में सीखा और मोबाइल फ़ोन में सिम जैक के बारे में आपको सिखाया है। तो दोस्तों, ये जितनी भी सारी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, ये चेकिंग की वीडियो दे रहा हूँ ताकि जो ऐसे जो न्यू टेक्नीशियन जो रिपेयरिंग करने वाले हैं उनको इन सब चीज़ों के बारे में, वो मोटा मोटा जैक समझते हैं लेकिन उसको रिपेयरिंग करने के बारे में नहीं समझते। तो आज जो आप लोग जो वीडियो के माध्यम से जो सीख रहे हैं या वीडियो के माध्यम से जो आपको सिखाया जा रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप ये सिखाया जा रहा है कि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आएगा, उस मोबाइल फ़ोन में आने वाले फॉल्ट को फाइंड कैसे करेंगे, मोबाइल फ़ोन में आने वाली कमी को कैसे ठीक करेंगे, फॉल्ट ढूंढेंगे कैसे। तो ये मैं ए से जेड तक आपको फॉल्ट को चेक करने का तरीका समझा रहा हूँ कि फॉल्ट हमारा जनरेट कैसे होता है, फॉल्ट को चेक कैसे किया जाता है। तो ये मैंने हैंड फ्री जैक और सिम जैक के बारे में आपको बताया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको टॉपिक में कैसा लगा, वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से जो मैंने आपको बताया वो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, और वीडियो देखने के बाद कमेंट में मैसेज ज़रूर करें, ये मैसेज करें कि इन सब चीज़ों के बारे में जो आप सीख रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और चैनल से जुड़े रहें, अगर आप चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो इससे संबंधित और भी जो वीडियो हैं, जो ट्रेसिंग से संबंधित पूरा क्लास का जो सीरीज आने वाला है, वो आपको पूरा वीडियो मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, दुनिया जान में आपने कहीं भी सीखा होगा लेकिन आपको इस तरीके से सीरीज फॉर्म में कहीं नहीं सिखाया होगा कि आपको स्टेप बाई वन बाई वन बाई वन बाई वन बाई करके एक एक करके समझाया जाए। ऐसा हम आपको बिल्कुल आपको क्लास की तरह पढ़ाते हैं, क्लास की तरह समझाते हैं, एक एक करके बिल्कुल जीरो लेवल से आपको चेक करना समझाते हैं। जो जीरो लेवल से इसलिए चेक करना समझाते हैं ताकि इन सब चीज़ों को आप आसानी से चेक कर सकें, आसानी से समझ सकें। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के ग्राउंड लेवल तक के पूरा कंप्लीट सफ़र को सीख सकें। तो दोस्तों, और अगर इस तरीके से पूरी अगर आप कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, पूरा मोबाइल फ़ोन से संबंधित आप पूरा जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चित ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मात्र 45 दिन का कोर्स कराते हैं, 45 दिन पूरा फुल डे क्लास होता है, पूरा बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, और आईसी लेवल तक का है, या मोबाइल फ़ोन में ग्लास चेंज करने का है, टच चेंज करने का है, कॉम्बो रिपेयरिंग करने का है, ऐसा ए से लेकर डेट तक मतलब आपको पूरा फुल ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पड़ता है ये अपना सागर मार्केट माल रोड में पड़ता है। ये सागर मार्केट तुम्हारा जो है कानपुर रेलवे स्टेशन से 300-400 मीटर के पास में है। आप चाहें तो आराम से विजिट कर सकते हैं, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, और यहाँ पर बच्चे रह करके आराम से कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर हॉस्टल सुविधा मिल जाती है, हॉस्टल का कोई पैसा नहीं लगता, आराम से रह करके बच्चे सीख करके चले जाते हैं। पूरा फुल डे क्लास होता है, और सबसे बड़ा सीखने का फ़ायदा ये रहता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मार्केट है जिसे मोबाइल फ़ोन की मार्केट बोलते हैं। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की मार्केट में जितने भी सारे लोग होते हैं वो अपना दूर दूर से मोबाइल फ़ोन को ठीक कराने के लिए आते हैं। अगर उसके मोबाइल फ़ोन में कोई भी कमी आ जाती है, उसके मोबाइल फ़ोन में कोई भी खराबी आ जाती है, तो भी लोग यहाँ पर रिपेयर कराने के लिए आते हैं। तो हम लोग उन मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करते हैं, या हमारे स्टूडेंट जो सीख रहे हैं वो लोग भी मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करते हैं, तो उनको चालू मोबाइल फ़ोन में काम करने का मौका मिलता है।
और दुनिया जान में मैं आपको बताऊं कहीं भी चले जाएंगे लेकिन आपको चालू मोबाइल फ़ोन में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो लोग मोबाइल फ़ोन को रिपेयर नहीं करते, डेड फ़ोनों पर सीखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको चालू मोबाइल फ़ोन में ऐसे सीखने को मिलता है क्योंकि यहाँ से मार्केट से लोग मोबाइल फ़ोन बनवाने के लिए आते हैं। हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन बनवाने के लिए आता है हम उससे कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम उसको ऐसे ही मोबाइल फ़ोन बना कर देते हैं। बस जो सामान का पैसा लगता है वो उनको देना होता है ताकि इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से सीख सकें, डीपली सीख सकें, सीखने के बाद वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, अब भविष्य में एक अच्छी तरीके से काम कर सकें और अपने लिए अच्छे तरीके से काम कर सकें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक हमारे पास हरदोई के रहने वाले हैं कपिल जी, जो 5-6 महीने से मेरा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का वीडियो देख रहे थे। वीडियो देखने के माध्यम से उनको एक एक करके बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, उन्होंने कॉपी भी बना रखा था, अच्छे से नोट भी कर रहे थे। लेकिन वो कहते थे कि जहाँ पर मैं सीखता था वहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान थी भैया की हमारी, तो उनके दुकान में जब मैं जाता था तो वो अपना मुझसे रिपेयरिंग तो करवाते नहीं थे, बस खाली काम कराते रहते थे कि तुम ये कर दो बेटा, ये कर दो, ये साफ सुफ कर दो, ये सामान सेट करो, और चलो आज हम तुमको इसके बारे में बताएंगे, आज हम तुमको जम्पर लगाना बताएंगे, देखो फ़ोन खोल रहे हैं, तुम फ़ोन खोलते हुए देखो, फ़ोन को रख दो, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहते थे, टेम्पर एम्पर लगाना सिखा दिया। तो कह रहे हैं सर मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि उन्हें मुझे इतना सिखाने में कम से कम 5-6 महीने लगा दिया। लेकिन जब से मैं आपकी वीडियो देखा कि मैंने सोचा कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कानपुर में कहाँ से सीखें, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कानपुर में इंस्टीट्यूट कहाँ से है, कहाँ पर है, फिर मुझे किसी ने बताया, अरे वो उन भैया ने बताया कि सागर मार्केट में हम मोबाइल फ़ोन का सारा सामान लेने के लिए जाते हैं, मोबाइल फ़ोन का गढ़ है, सारा सामान मोबाइल फ़ोन का, अगर तुमको कानपुर में लेना है ना तो सिर्फ सागर मार्केट चले जाओगे, वहाँ पर सारा सामान मिल जाता है। तो फिर मैंने सर आपको डाला कि सागर मार्केट में मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट, ऐसा करके जब मैंने सर्च किया तो सर मुझे आपका इंस्टीट्यूट मिल गया, और जब आपका इंस्टीट्यूट मिल गया तो मैंने वीडियो देखा। तो सर मैंने कम से कम 5-6 महीने से आपका वीडियो देख रहा हूँ, और जो आपने मुझे बेसिक के बारे में सिखाया था मैंने सीख भी लिया। सीखने के बाद जितना सर मैंने आपको 5-6 महीने के अंदर जो आपका पूरा चैनल में था सारा वीडियो देख डाला, सब दिमाग के अंदर मेरा घुसा हुआ है एक एक वीडियो देखने के बाद। फिर मैंने उसी हिसाब से भैया के दुकान में प्रैक्टिकल करना भी शुरू कर दिया, काम करना भी शुरू कर दिया। तो सर बताएं, मेरे भैया ने खुद मुझे बोला कि यार तुम बढ़िया हो, तुम्हारा तो दिमाग बहुत तेज़ है, तुम तो बहुत जल्दी जल्दी काम पकड़ रहे हो, तुमको तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो फिर मुझे लगा कि आज जितना जो लोग वो मुझे सिखा रहे थे उससे कम मैं 30 से 40-50 गुना मैंने जब सर के वीडियो के माध्यम से इतना सीखने को मिला है, क्यों ना यार हम ऐसा करते हैं कि हम वहीं जाके सीख ले। तो उन्होंने अपने पापा से बोला कि सर सर की वीडियो देख करके मैं इतना सीख रहा हूँ और मोबाइल फ़ोन भी ठीक कर लेता हूँ, तो अगर मैं वहीं जा कर के सीखाऊँ तो उनके पापा ने बोला कि भाई तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम्हारा भविष्य है, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। तो उन्होंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि चलो मैं कानपुर में ईटेक इंस्टीट्यूट में जा कर के राघवन सर के पास जा कर के पूरा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीखना है। तो सर आए, उन्होंने मेरे से बात करी, उन्होंने मुझसे बात करने के बाद ये भी बोला कि सर मैं क्लास करूँगा, पहले क्लास करने के बाद अभी मैं तुमको सिर्फ 2,500 रुपया दूंगा, 2,500 देने के बाद मैं क्लास करूँगा, जब 2-4 घंटे क्लास कर लूँगा तब मैं बोलूँगा। तो फिर हमने कहा ऐसी कोई तो बात ही नहीं होता कि ऐसी कोई टेंशन, अगर तुम्हारे कोई दिमाग में डाउट्स है तो तुम ये भी मत दो, क्योंकि भाई देखो हम आपको, हम लोग जो है ना वो सीखने सिखाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ना कि एक दूसरे को कभी डिमोटिवेट या बेकार करने के लिए। तो हमने उनको यही बात बोली, तो उन्होंने मेरे पास 2,500 रुपये जमा कराए। उनके पापा से बात की तो पापा कह रहे साहब हम गांव के आदमी आते, हमसे तो यही है कि हमारा बच्चा सीख जाए, और हम शहर के आदमी पे इतना विश्वास नहीं करते कि मतलब शहर के आदमी कुछ भी उल्टा सीधा बता करके हमको फंसा ले, हमको लूट ले, फिर पैसा जमा हो जाता है तो वापस नहीं होता, ऐसा बहुत उन्होंने मुझसे बात करी। तो हमने बोला यही कि साहब आप पैसों को लेकर के बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई दिमाग में डाउट्स है, और जहाँ तक सर मैं आपको बताऊँ अगर आपका मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा तो ना तो मैं आपके बच्चे को सिखा पाऊँगा ना आपका बच्चा मेरे से सीख सकता है। तो उन्होंने बोला कि सर नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपकी वीडियो मैंने भी देखी है और बच्चे ने आपकी वीडियो को दिखाया है, तो मुझे आपके प्रति इतना विश्वास है कि नहीं सर आप सिखा देंगे, तो पैसों की टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पैसा शाम को ट्रांसफ़र कर दूंगा, शाम को फीस जमा कर दूंगा, बच्चों को अभी सीखने दो। तो हमने सर उसको बच्चे के क्लास किया, क्लास कराने के बाद फिर उन्होंने फाइनली अपने फीस को जमा कराने के लिए फीस को जमा कराया, और आज वो क्लास भी कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि सर विश्वास से बढ़कर दुनिया जान में कोई बात नहीं होती, लेकिन आप लोग इतना जरूर ध्यान रखें कि आप हमारे पास जब ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो एक बात दिल के अंदर जरूर विश्वास रखना कि आप 100% तरीके से दोस्त सीख करके ही जाएंगे।
बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक का कंप्लीट सफ़र सीख के जाएंगे। बिल्कुल ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फ़ोन को बनाने का तरीका मैं आपको सिखा के ही भेजूंगा। और वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कपिल जी आप पूरा कंप्लीट सीख करके जाएंगे। और मैं बात कहना चाहता हूँ कि 45 दिन के बाद जब आप आएंगे वीडियो के माध्यम से बोलेंगे कि देखिए सर के पास मैं सीख करके आज अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी दिल से बड़ी खुशी होगी। ताकि मेरा मिशन है वो मेरा मिशन पूरा हो सके। मैं चाहता हूँ कि आज दुनिया जहान में जितनी सारी जो बेरोजगारी है या जो लोग ऐसे हैं जॉब के लेकर के परेशान हैं, काम को लेकर के परेशान हैं, अगर उनके हाथ में कोई एक अच्छा हुनर आ जाएगा तो कभी भी इन सब चीज़ों के परेशानियों के पीछे में नहीं भागेंगे। दुनिया जहान में आज पढ़ा लिखा भी आदमी बेकार है, पढ़ा लिखा आदमी ऐसे बेकार है उसके हाथ में हुनर नहीं है। जब वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए जाता है तो हर एक आदमी उससे यही क्वेश्चन पूछता है, भैया हम तुमको काम क्या आता है? अगर आप अपने कोई भैया से, कोई चाचा से, कोई ताऊ से, कोई दोस्त से, कोई बहुत अच्छे जो रिलेटिव हैं जो आपको कहते हैं भैया कोई दिक्कत नहीं तुम पढ़ लिख लो हम तुमको नौकरी पर लगवा देंगे, अरे नौकरी पर लगवा दोगे कैसे लगवा दोगे? पहले ये बताओ आपने उनको कभी ये सलाह नहीं दिया कि कोई अच्छा काम सीख लो। और आज सर मैं आपको बताऊं वो लोग आपसे वादा तो कर देते हैं नहीं नहीं लगवा पाते। क्यों नहीं लगवा पाते? क्योंकि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जब आप जॉब करने जाओगे, काम करने जाओगे, तो ये बात सोच लीजिए 100% तरीके से कि आपको वहाँ पर काम करके देना पड़ेगा। जब काम करके देंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों मैं वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करते हुए आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो संबंधित कोई भी सुझाव हो, कोई कमेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मैसेज करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.